कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी लकीर मूवी, और इसका हमने पार्ट 7 किया था, ये पार्ट 8 है। नेक्स्ट पार्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। चलिए मिलकर देखते हैं, इन्जॉय करते हैं। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या सोचता है तो अपने जिस रंग को छुपाना चाहता था उसने बिंदिया जैसे मासूम के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। तुझे आज बहुत दिनों बाद गुस्सा आया है, अपने गुस्से पर काबू रख। वैसे भी तेरे कुछ न करते हुए बहुत कुछ हो गया, अब तेरा एक इशारा और चारों तरफ बर्बादी। रोकते सब कुछ, अगर तू फिर भी नहीं रुकता तो शायद बिंदिया ने ठीक ही कहा है, मिल गए जमीन आसमान, बदल गया है तू अर्जुन। नहीं, नहीं मिल सकते जमीन और आसमान। बिंदिया, आज भी तेरा भाई वही है। जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, उसी तरह कसूरवार और बेकसूर भी एक नहीं हो सकते। बाबा आप ही बताइए, ये किस तरह की ताकत है जिसके होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना शहर में आग लगा सकता हूं, ना बेगुनाहों का खून बहा सकता हूं, ना अपने भाई का खून देख सकता हूं, और ना ही बिंदिया की आंखों में आंसू देख सकता हूं। लेकिन हमारी दुनिया के असूल जो आप ही ने बनाए हैं, वहां गुनहगार को माफी नहीं है। मैं मार दूंगा उसे। संजू, हमारी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अरे समझ ही तो रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं साला बहुत पैसा वाला है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची, उसका वार भी बहुत ऊंचा है, लेकिन बुजदिल नहीं हूं मैं। बात कायरता या बुजदिली की नहीं है, बात है समझदारी की। अर्जुन शेर है क्योंकि उसे मैंने पाला है। वो जब भी आएगा शेर की तरह धाड़ मार के आएगा, लोमड़ी की तरह नहीं। वही तो कह रहा हूं मैं चाचा। तो हम सबकी भलाई के लिए तुम्हें यहां से जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा? देखो बेटे, अगर तुम यहां नहीं होगे ना तो हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। हाँ बेटे, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर तुम यहां होगे तो जज्बात की रौ में बह के कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा बेटे। वो लड़के को पता चल गया भाई, उसका नाम संजू है और वो सूरज नगर में रहता है भाई। मगर वो बस्ती वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक अरसा हो गया अर्जुन से मिले हुए, हो सकता है बदल गया हो। अजीब सा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कई साल बाद मैं आया हूं यहां पर। अपनापन महसूस नहीं हो रहा मुझे। कनी चाचा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
मैं यहाँ पर आप लोगों को धमकाने नहीं आया, अपनों से मदद मांगने आया हूँ। अर्जुन बेटा, यहाँ जब एक घर में चूल्हा नहीं जलता ना, तो 10 घर से रोटी आती है। कोई शख्स बीमार हो जाए तो तमाम बस्ती के लोग मिलके उसकी तीमारदारी के लिए रात रात भर जागते हैं। और ये उसूल हमारे बनाए हुए नहीं है, ये उसूल तुम्हारे बाबा के बनाए हुए हैं, जो सूरज नगर में आज भी जिंदा है। हो सकता है उसूल जिंदा है, लेकिन आप सबके दिल मुर्दा हो चुके हैं। नहीं तो मेरे साथ ये परायापन क्यों? मानता हूं मैं यहां नहीं रहता, लेकिन हूं तो यहां का ना। कपड़े बदलने से इंसान बदल नहीं जाता। मुझे पता नहीं मेरी पैदाइश कहां की है, लेकिन जब से बाबा ने मुझे गोद लिया, यहीं घर पाया आप लोगों के बीच, इसलिए आप लोग और ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। बाबा की यहां पर यादें हैं। कनी चाचा, मुझे निराश मत कीजिए, वो लड़का मुझे बता दीजिए। गुंगे हो गए क्या आप सबके सब? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई आप बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। चलाई वाह, बहुत खूब, घर बसाने वाले खुद ही घर उजाड़ने आ गए। चलिए आज ये भी देख लेते। आवाज निकली खुद पर आई तब, ये करण की बदकिस्मती है कि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ, आपके आंगन और आपकी गोद में खेला नहीं, इसलिए आप लोगों को उसके दर्द का एहसास नहीं है। अभी आपने बाबा का नाम लिया जिनके नाम पर ये बस्ती है। अरे सूरज नाम को मैं कभी अंधेरे में छुपने नहीं दूंगा, वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते, यहां पर मौत का सन्नाटा चीखता, ये पूरी आबादी बर्बादी में नजर आती। ये मेरी बदकिस्मती है और उस बुजदिल की खुशकिस्मती कि ऐसी हरकत करने के बाद वो जो सांसें अब ले रहा है वो मेरे बाबा के नाम की भीख है। लेकिन वो बचेगा नहीं, नहीं बचेगा वो। अफसोस है आप लोगों के साथ जो तजुर्बा हुआ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट अर्जुन बेटा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतना ही प्यार है, और बात अपने और पराए की नहीं है बेटा, बात है सही और गलत की। और सही ये है कि भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। अरे संजू ने भी वही किया था जो तुम आज करने आए थे। हमने तो सुना था कि हमारा अर्जुन ईमान और सच्चाई का पक्का है, वो सच के लिए अपनी जान भी दे सकता है, मगर आज काश सूरज सब जिंदा होते। कॉलेज में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानते हैं सिवाय आपके भैया। भाई काट देंगे हम उसे, काट देंगे उसको। ये भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। भाई अब बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। क्या वो जमीन और आसमान मिल गए? मिल गए वो जमीन आसमान। डॉक्टर, साहिल तू की जगह तू चल सो जा, चल तू चल। ये कैसे हो? कुछ नहीं, मैं ओके हूँ, तू सो जा, चल तू। संजू कहाँ है? संजू भी ओके, उसको कुछ नहीं हुआ, वो हम सब ठीक है, चल तू सो जा ना यार। साहिल चल। साहिल बड़ा सस्पेंस आ गया है मूवी में, बस्ती वालों ने इनकार कर दिया है बताने के लिए, सेठी का पता बताने के लिए।
लेकिन वो ढूंढेगा और ढूंढ के रहेगा, लेकिन ये लड़ाई है दो भाइयों की और भाइयों के लिए, उनके बड़े भाइयों की, लेकिन ये लड़ाई है एक अमीर की और गरीब की और हमारी सोसाइटी के इस डिफरेंस की भी। लेकिन अगले पार्ट में देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। ये वाला पार्ट तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का था, बेहतरीन। सनी पाजी का जो जोश और जज्बा और वो एग्रेसिव जो है ना वो, और हम खास करके जो फिल्मों के पार्ट है ज्यादातर हमारे सनी पाजी के ही हैं। और दोस्तों की रिकमेंडेशन भी जो है ना सनी पाजी की है, वो कहते हैं कि लकीर मूवी के बाकी पार्ट्स जो है ना उसके ऊपर भी आप रिएक्शन दें और देखना, और हमारे रिएक्शन को भी दोस्तों ने पसंद किया। जैसे जैसे ये हम पार्ट करते जाएंगे हमें पता चले गए कि ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये दो यानी कि दो लड़कियों की वजह से दो भाई लड़ते हैं आपस में। चले कोई भी वजह है, अभी एक औरत पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई कराने वाली है, ये जो औरत होती है औरत बड़ी कमाल की शायर रब ने बना दी है, और इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन फिल्म का ये पार्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत जबरदस्त है, तो वाकई में जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा। चलिए आज का पार्ट हाजिर है, अगर हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा और रिकमेंड किया कि नेक्स्ट पार्ट भी लाइए, तो बाकी पार्ट्स भी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो जबरदस्त पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।